में बैठे हुए सभी अफसरान और कथन के मौजूद प्यारा रेस्पेक्टेड पर्सन, मैं श्री जोगिंदर जी की तकरीर को एंडोर्स, जो इन्होंने बताया बहुत ही सही बताया। जनाब जी साहब की नॉलेज में एक ही बात लाना चाहता हूँ, जो यहाँ बातें होगी, ये सौंदर का इलाका जो है ये तीन पंचायतों पर मुनसर है, पंचायत टंडर, पंचायत सौंदर ए, पंचायत सौंदर बी। यहाँ से अगर हम डिस्टेंस ले लेंगे पूरे इलाके के सर, एक हमारा चाड़ और सरनो एरिया पड़ता है, वो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। एक हमारा एरिया जो है नथनाला और प्रसन वगैरह, वो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। और तीसरी ब्रांच हमारी जा रही है सर लुपारा और पक्कल, जहाँ हमारे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक प्रोग्राम किए, वो इन तीन पंचायतों के महवर में किए। आइंदा के लिए मैं दावत दे दूँगा जनाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा वो पंजारा या दिलगू या सब्जी में होना चाहिए। यहाँ की ठीक है सौंदर एरिया में डेवलपमेंट हो, चलो यहाँ से डेवलपमेंट चले उधर आगे इलाके के लिए, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कि हम फिर सिर्फ एक ही जगह को फोकस करें और बाकी इलाका जो है कमोबेश इस वक्त अगर हम देखेंगे सरकारी फिगर्स नहीं, अपने 20,000 की आबादी इस इलाके में है। और यहाँ तक कि आबादी जो हमारी होगी ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 हज़ार होगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन को 13,000 आबादी जो है उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत मसाइल हैं सर, यहाँ वाइल्ड लाइफ का मसला चला, जंगलात का मसला चला, रेवेन्यू का मसला चला, ये सड़क किस तरह से आ गई, कैसे नहीं आएगी, कितना तरद्दुद करना पड़ा। ये हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ कोई रिजर्वायर नहीं, कोई गेम सेंचुरी नहीं है, ये हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क चिनाब है। अब इसकी वो इम्पेडिमेंट्स जो थी वो ख़त्म हो गई, 2-3 बार उसका रिविजन करना पड़ा और अब ये अपना फल देना शुरू कर दिया है। पिछले साल अगर आप देखेंगे 10 करोड़ के टेंडर हो गए हमारी नेशनल पार्क में, 10 करोड़। हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन यहाँ बैठे हैं और उसी तरह फॉरेस्ट का भी है। ये दूसरी बात कही, अभी तक मेरे इस अजीज़ भाई ने, जोगिंदर जी ने और हाजी साहब ने और मेरे मोहतरम उस्ताद ने बताया कि कंट्रैक्टर ठेका लेते हैं और बाद में काम करते नहीं हैं। मैं जनाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी ठेकेदार हैं जिनको काम अलाट हो गया है, एक रिव्यू मीटिंग आप ले लें। एक्सीन साहब जो हमारे मोहम्मद असलम हैं, ये गाँव घर घर वाकुफ हैं यहाँ, ये स्टार्ट से इस वक्त इनकी मैक्सिमम सर्विस जो है वो इसी सब डिवीजन में गुजरी है, कोई चीज़ इसकी नज़र से ओझल है ही नहीं। और इनके साथ कंप्लीट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और वाइल्ड लाइफ का पूरा इनका सहयोग मिला। काम क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं इस वक्त उतना ज़्यादा वक्त नहीं, वक्त बहुत कम है। यहाँ का लोकल स्टाफ है और एक कंपिटेंट प्रिंसिपल है, बदकिस्मती है कि सिर्फ आप इनको 1-2 साल हैं, उसके बाद बहुत हमें इसी तरह फिर तकरीर करनी पड़ेगी कि भाई प्रिंसिपल दे दो। यहाँ की हर सेकेंडरी में भी एक हाईली एजुकेटेड पर्सन है जो प्रिंसिपल के फराइज दे रहा है, लेकिन लेक्चरर स्टाफ की कमी है। जैसे मेरे उस्ताद ने फरमाया कि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि किसी भी कौम किसी जगह की तरक्की का इनसार जो है सबसे पहले है रोड कनेक्टिविटी। रोड कनेक्टिविटी के बारे में जनाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब कितने इंटरेस्टेड हैं कि सबसे पहले इन्होंने तमाम लोगों को यहाँ छोड़ा और खुद पुल को देखने के लिए गए। पुल की साइड जहाँ बननी है, ये होड़ी पुल, तो इससे ये साबित होता है कि ये इंटरेस्टेड हैं इस रोड को आगे लेने के लिए। हालात का मुकाबला करना इनका कर्तव्य है। ये यंग डेडिकेटेड ऑफिसर आपने देखा हुआ, कल एक हादसा हुआ, 62 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के इन्होंने एक डॉक्टर का काम भी किया वहाँ, आपने देखा होगा कि अस्पताल में दाखिल हो गए, खुद ट्रीटमेंट कर रहे थे। कल एक दुखदोज हादसा हुआ हमारे उधर छात्रों में, और उसके बाद मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, कल हमारी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयर पर्सन है उन्होंने एक मुलाकात की है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से, और ख़ास कर दक्षिण के बारे में इन्होंने सब कुछ कह दिया है।
हमें ज्यादा कहने की यहाँ जरूरत नहीं है, ना उतना वक्त है। डिस्ट्रिक्ट अफसर साहिबान आए हैं, इनको वापस जाना है। डीजी साहब ने भी वापस जाना है। आइंदा हम किश्तवाड़ में मिलेंगे, फिर मीटिंग हो जाएंगी, आपके साथ मुलाकात हो जाएगी सर। लेकिन एक अर्ज मैं यहाँ इस स्टेज से करना चाह, जो है ये हीरे और जवाहरात से भरा हुआ एक इलाका है। टूरिज्म का पोटेंशियल यहाँ इतना है कि अगर टूरिस्ट यहाँ आना शुरू हो जाएंगे तो 7 महीने कोई खलासी नहीं होगी। यहाँ हमारा सदरचीन एरिया है और आपने देखा होगा सर, क्योंकि आपको ब्रॉड नॉलेज होगा, यहाँ एक ब्रह्मा पीक है जिस पर पहले मिलिटेंसी से पहले हर साल अंग्रेज लोग इस पहाड़ को चढ़ने के लिए आते थे, लेकिन जब मिलिटेंसी होगी तो वो थोड़ा मुतासर हो गया। उसके बाद हमारी एक पिलग्रिमेज वहाँ होती है हर साल, जिसको हजमाता यात्रा कहते हैं। गंगा है वहाँ, हजमाता है, त्रिसंध्या है, पोटेंशियल बहुत बड़ा है। और वो एरिया जो है वो हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क में आया है, वो भी उसमें पैसा लगाएंगे सड़क, लेकिन जनाब के 10 टाउन की जरूरत है उसमें। और इस इलाके में जैसे अभी मेरे मोहतरम उस्ताद ने फरमाया कि जमीन जो है सिर्फ सौंदर की नहीं गई है, यही थोड़ी बदकिस्मत है। मेरे ये बुजुर्ग उस्ताद हैं, इन्होंने मुझे पढ़ाया है 70s में, तो भर बुजुर्ग है, बुजुर्ग का